हेलो एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग वेरी वेल एंड आप अपनी पढ़ाई का, फैमिली का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारे वीडियो होने वाला है, इसमें वीडियो में हम लोग बात करेंगे NIA के बारे में, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग, यानी इसका काम क्या होता है, इसको लाया क्यों गया था और इसके अंदर जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुई हैं वो अमेंडमेंट क्यों की गई हैं, यानी क्या क्या चेंजेस की गए हैं इसके अंदर, वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। और अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका एक पोर्शन भी कवर हो जाएगा इस वीडियो से। यानी अगर मैं GS Paper 3 की बात करूँ तो उसके सब सेक्शन में, यानी वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज एंड देयर मैंडेट्स होती हैं, जो ये पोर्शन कवर करेगी वीडियो। तो एंड तक इस वीडियो को देखना जरूर और मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि NIA है क्या, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब इसको फोर्स में लाया गया था 2008 में, बट अगर ये इसका प्रॉपरली जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2009 में हुआ था। 8 में क्यों लाया गया इसको, बिकॉज हमारे यहाँ पर मुंबई में 26/11 का एक अटैक हुआ था, बहुत फेमस है, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो उस टाइम क्या था, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं थी कि डीपली जाके इस तरीके से टेररिज्म के अगेंस्ट जाके रिसर्च कर सके या इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इसीलिए 2000 में इसको पावर में लाया गया और 2009 में कम्प्लीटली इसको बना दिया गया। 2000 में लाया गया, 8 में, 9 में इसको बना दिया गया, यानी 8 के नवंबर के लास्ट में इसको लेके आए थे और उसके बाद से इसको रखा गया था। अब बात कर लेते हैं इसके अमेंडमेंट की, यानी 2019 में अमेंडमेंट की अगर बात करूँ तो लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मिस्टर अमित शाह ने इसको 8 जुलाई 2019 को लेकर के आए थे। यानी वहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली, अगर मैं आपसे बात करूँ, जब कोई भी बिल लोकसभा में लाया जाता है तो जो स्पीकर होता है वो सभी से उनकी फेवर, यानी वो कौन फेवर में है कौन नहीं है, वो एक वोटिंग होती है। तो जो फेवर में होता है वो हे बोलता है, जो फेवर में नहीं होता है वो ने बोलता है। तो ऐसी कोई प्रोसेस ना करा करके मिस्टर अमित शाह ने, यानी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर बेल्ट सिस्टम, यानी प्रॉपर जो पेपर सिस्टम था उस तरीके से वोटिंग कराई गई। और इस बिल में जो चेंजेस होने थे उसके लिए उसके फेवर में 278% ने इसके वोट किए और 6% ऐसे जिन्होंने इसके लिए वोट नहीं किया। फाइनली हुआ क्या, ये पास हो गया बिल और इसके अंदर जो चेंजेस होने थे वो भी हो गए। अब देख लेते हैं वो चेंजेस क्या हुए थे। फर्स्ट उन चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑफेंसेस, यानी टाइप ऑफ ऑफेंसेस क्या है, यानी ऑफेंसेस मतलब इसके अंदर पहले कुछ एक्ट थी जिनके ऊपर ये काम कर सकती थी, कुछ एक्ट ऐसी थी जिनके ऊपर ये काम नहीं कर सकती थी एजेंसी, यानी वो एक्ट इसके अंदर से आउट थी। तो अब कुछ एक्ट को इसके अंदर दोबारा और ऐड कर दिया गया जो पहले थी। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, जैसे एक फेमस एक्ट है आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा, UAPA, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये सब एक्ट इसके अंडर में थी। बट अब इसके अंदर कुछ और भी जोड़ दी गई, जैसे मैं बात करूँ पहले जो एक्ट थी, जैसे सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन, यानी ये एक ये थी। और दूसरा यहाँ पे एंटी हाईजैकिंग 1982 में जो एक्ट बनी थी वो भी थी इसमें। अब जो इस, और वैसे मैं आपके वीडियो यहाँ पर डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ एक्ट जो ऐड की गई थी वो एक्ट कौन सी हैं, इसके अंदर कुछ एक्ट ऐड की गई, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 370 एंड 370A ऑफ इंडियन पैनल कोड 1860, नेक्स्ट साइबर क्राइम्स सेक्शन 66F इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, या फिर एक्सप्लोजर सबस्टेंस एक्ट 1908। नेक्स्ट देखें तो मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिशन आर्म्स सेक्शन 25 सब सेक्शन 1AA ऑफ आर्म एक्ट 1959, ये कुछ एक्ट थी जो इसके अंदर बाद में डाली गई। नेक्स्ट बात करें तो ज्यूरिडिक्शंस, यानी NIA की जो ज्यूरिडिक्शंस थी उनको बढ़ा दिया गया। लाइक एग्जांपल पे देखे बात कर लेता हूँ मैं, अगर देखो हमारी कंट्री में कुछ भी हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, NIA टेरर से रिलेटेड। और अगर वही टेरर किसी अदर कंट्रीज़ में हो जाए और उसमें कुछ इंडियंस मारे जाएं तो उसके लिए क्या होगा। तो अभी कुछ टाइम पहले, अगर 90 से पहले की मैं बात करूं, जब तक इसको पावर में नहीं मिली थी ये सब की, तो श्रीलंका के चर्च में अटैक हुए थे, तो वहाँ पे कुछ जो इंडियंस थे वो लोग मारे गए थे। बट इसको इन्वेस्टिगेशन करने की पावर तो थी नहीं फॉरन में, क्योंकि इसकी पावर तो कहाँ तक थी इसकी सीमित पावर इंडिया में, तो इसलिए वहाँ नहीं जा सकती थी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी जो ज्यूरिडिक्शन थी उसको बढ़ा दिया, यानी इसकी पावर्स को बढ़ा दिया और बोला है कि अब ये जो कंपनी है या जो एजेंसी है ये अदर कंट्रीज़ में भी जाके काम कर सकती है। यानी फॉर एग्जांपल, वैसे तो ना हो फ्यूचर में कभी ऐसा, बट मैं एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, अगर यहाँ से किसी अदर कंट्रीज़ में कोई अटैक हो जाता है उसके अंदर कुछ इंडियन मारे जाएँ तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगा वहाँ पर जा कर के, यानी वहाँ पर जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा ये। अब इसको ऐसी अथॉरिटी दे दी गई है, पहले ये इंडिया तक सीमित था, अब इसको फॉरेन जाने की भी अथॉरिटी दे दी गई है। यहाँ पे अगर मैं ऑपोजिशन के लीडर की बात करूँ तो असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम सुना होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि USA और इसराइल जैसी
अगर हम लोग भी अदर कंट्रीज़ में जाके इसको पावर दे देते हैं, इसकी ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा देते हैं जैसे उन लोगों ने बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो वो जो कंट्रीज़ हैं वो उनके पास डिप्लोमेटिक क्लाउड है और फुली फंक्शनली डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इससे क्या होगा ना, हाँ इससे जो है ना हमारी एजेंसी का रिजल्ट उतना बेटर नहीं हो पाएगा, तो उनका कहना ये था। इसी के लिए अगर दोस्तों देखें तो इससे एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर हमारे आसपास की जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल वगैरह जो भी हैं, अगर यहाँ से हमारी कंट्रीज़ के लिए जाली नोट बनाए जाते हैं और वो बेसिकली दोस्तों इससे एक चीज़ का बेनिफिशियल और मिलता है, यानी हमारे जो आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी जो नेबरहुड हैं, जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ जो हैं हमारी, अगर वो मार्केट में रिलीज़ कर रही हैं उन नोट को और अगर पता पड़ जाए तो ये हमारी एजेंसी वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, यानी उस काम को वहाँ पर रोक सकती है, तो ये तो फ़ायदा हो जाएगा ना इसका इस तरीके से भी। दोस्तों इसका फ़ायदा तभी होगा जब इंडिया में इसको डिप्लोमेटिकली इसका रास्ता खोल दिया जाए और अदर कंट्रीज़ में जा करके इसकी जो जुरिडिक्शन पावर है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी इसका तभी फ़ायदा हम लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगा और इसीलिए ये इसमें मेंशन किया गया। वो थर्ड क्या है इसका, थर्ड ये है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होगा, यानी जो टेररिस्ट होगा। वैसे तो ये जो कोर्ट की अगर मैं बात बताई जो आपको, ये पहले भी ऐड की हुई थी बट यहाँ पर अब इसको दोबारा से इस बात का जिक्र किया गया है इस बिल में, यानी इसको लाया गया, अब तो ये बिल ही बन गया है, तो इस बिल में इसको मेंशन कर दिया गया है कि अब यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट होगा, यानी कोई टेररिस्ट अगर पकड़ा जाता है, कोई एक्यूज अगर पकड़ा जाता है तो वो यहाँ से अपील तो कर सकता है और उसके लिए जो सेशनल कोर्ट होंगे वही स्पेशल कोर्ट का काम करेंगे, यानी जल्दी से जल्दी उसको डेथ पेनल्टी के लिए यहाँ से डिक्लेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यार अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और आप कर सकते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। एंड थैंक यू सो मच।